Manveer Singh, a visual artist from Delhi, popularly known as Plastic Wala. He is spreading awareness on plastic hazards and his campaign made a stop in Puri. Manveer built this 15-foot olive riddle sea turtle artwork at Puri Beach using plastics. Manveer is the winner of the Metis Initiative on Plastics in Indo-Pacific Ocean 2021. Under the Metis Initiative, a collaboration between UTSA Foundation and AFD, Manveer chose olive riddle turtle for his project work to signify how we are endangering the life of marine animals with our plastic use. फिर उसी मटेरियल से मैंने यहाँ पुरी में एक इंस्टॉलेशन किया है जो कि मोर देन 15 फीट है और इसमें मैं जो मेरा जो शेप है जो ड्राइंग है मैंने ऑलिव रिडली जो टर्टल को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं क्योंकि उड़ीसा जो सेकंड स्पेस है जो ऑलिव रिडली के मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में तो हर एक जीव जंतु है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से अफेक्टेड है। इसमें सिर्फ ऑलिव रिडली नहीं, हर एक स्पीसीज जो है उसका इस पर इम्पेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ऑलिव रिडली कई बार या कोई भी टर्टल है जो वो बाय मिस्टेक प्लास्टिक को जेलीफिश समझ के खा जाता है और जो फिशरमैन है वो जेलीफिश पकड़ने के लिए अपना फिश नेट डालते तो उसमें टर्टल आ जाते, तो इस वजह से उनका जो ये हर महीना मतलब हर साल आते हैं और बहुत बड़े लेवल पे मास नेस्टिंग होता है लेकिन बहुत मुश्किल से उसमें से बहुत कम ही जिंदा रह पाते हैं। एक 15 फीट लॉन्ग टर्टल्स, क्योंकि ये जो टर्टल्स हैं वो पॉल्यूशन को ओडिशा का एक कंटेम्प्रेरी इशू है जिसमें टर्टल्स का आना और जो अफेक्टेड हो रहा है, इसलिए हमने चूज किया कि पूरी सी बीच में ही किया जाए वो वाला प्रोजेक्ट ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाए और उनको जो सी को जो वेस्ट फेंकने का जो हमारा जो हैबिट हो चुका है उससे चेंज होने का कुछ शुरुआत हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी न्यूज़।